देश में कोरोना से हालात इस वक्त चिंताजनक है। कुछ लोग डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं तो कुछ लोगों ने जो टर्म सबसे ज्यादा सर्च किया है वो है इम्यूनिटी। सब जानना चाहते हैं कि इम्यूनिटी का स्तर क्या है और कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आइए आज आपको बताते हैं। उम्मीद है इससे आपको फायदा हो सकता है। सबसे पहले जानिए कि इम्यूनिटी का सही मतलब क्या है। मानव शरीर में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। कुछ शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदेह। ऐसे अवयव जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, शरीर के अंदर के वायरस से लड़ने की शक्ति पैदा करते हैं, उसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। अब जरूरी ये है कि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी का स्तर कैसे पता लगे। देखिए, अलग अलग बीमारियों के प्रति इम्यूनिटी जांचने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। कोरोना के केस में IgG एंटीबॉडी टेस्ट से इम्यूनिटी का पता चलता है। वहीं सामान्य तौर पर हीमोग्लोबिन के स्तर से इम्यूनिटी पता कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन पुरुषों में 16 और महिलाओं में 14 होना चाहिए, जो सामान्य है। यदि पुरुषों में हीमोग्लोबिन 14 से और महिलाओं में 12 से कम हो तो मान सकते हैं कि इम्यूनिटी आपकी कमजोर है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो इसे बढ़ाया या ठीक किया जा सकता है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने का कृत्रिम तरीका बहुत स्थायी नहीं हो सकता है। कि अगर इम्यूनिटी बढ़ाना आप चाहते हैं तो इसका असर तो होगा, लेकिन वो कितना स्थायी रहेगा, यानी कि कितनी देर तक रहेगा, ये कहा नहीं जा सकता। दवा और अच्छे खान पान से कुछ दिनों में इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों में संक्रमण नहीं होता। बच्चे कई तरह के संक्रमण को रिसीव ही नहीं कर पाते, लिहाजा बचे रहते हैं। इसके अलावा अगर तत्काल की मैं बात करूं तो कोरोना वायरस इस वक्त बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इसके बाद ये भी जानिए कि बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर बिक रहे हैं। देखिए, बाजार में कुछ ऐसे प्रोडक्ट ज़रूर मिलते हैं जो फूड सप्लीमेंट्स के तौर पर अच्छे होते हैं और वास्तव में उससे इम्यूनिटी बूस्ट भी होती है, लेकिन आप कुछ और खाने पीने की चीज़ों से जो कि आपके घर में मौजूद हैं इम्यूनिटी अच्छी कर सकते हैं। जैसे बाजरा, चना, मूंग दाल, हरी सब्जी और दूध का सेवन ज़्यादा कारगर हो सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए केले और स्ट्रीट फल जैसे कि संतरा या अनानास आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। गर्म पानी के साथ नींबू का रस अच्छा हो सकता है। लहसुन भी इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर साबित है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, मुनक्खा और छुआरा आप ले सकते हैं। इसके बाद कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या सिर्फ खान पान से इम्यूनिटी सुधार सकते हैं। देखिए, सिर्फ खान पान से इम्यूनिटी में सुधार नहीं होगा, सकारात्मक सोच जरूरी है, नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। जी हाँ, कई लोग ऐसे हैं अभी जिन्हें गहरी नींद नहीं आती है, बार बार उनकी नींद खराब होती है। ऐसे में जरूरी है कि 7 से 8 घंटे की नींद आप जरूर लें। इसके अलावा तनाव को घटाना होगा, इसके साथ पौष्टिक आहार से इम्यूनिटी सुधरेगी। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है जैसे कि कैंसर हो सकता है, मधुमेह या दूसरे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारी के अलावा बुजुर्ग हैं तो ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसी वजह से सरकार ने भी अपने पहले प्रोटोकॉल से ही कहना शुरू कर दिया था कि बुजुर्ग हैं घर से बाहर ना निकलें। इसके बाद जब वैक्सीन आई तब सबसे पहले बुजुर्गों के बाद गंभीर बीमार से पीड़ित लोगों को भी वैक्सीन दी गई। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और खुश रहने की कोशिश लगातार करनी चाहिए और इस कोरोना महामारी से जीत जरूर हासिल होगी।